कई जगह सर हमें देखने को मिलता है कि बच्चे अनड्यू स्ट्रेस लेते हैं, और ज़रूरी नहीं कि बच्चे लेते हैं, पेरेंट्स हैं, राइट, पीयर ग्रुप है, टीचर्स हैं, राइट। तो ये सब फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई करती हैं। और दीज आर लाइक वॉट 15, 16, 17 ईयर ओल्ड किड्स, राइट। तो आपने उस बात को थोड़ा सा अभी जस्ट आपने आंसर किया है, बट वी वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ डू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस इंटेंस 2 ईयर प्रिपरेशन मैनेज स्ट्रेस, राइट? कैसे मैनेज करें स्ट्रेस, और आप क्या इनको राय देंगे यहाँ पे? मतलब इसमें मेरा तो अपना थोड़ा सा ये रहता है कि मैं एक्चुअल में इसमें ब्रेक थ्योरी यूज़ करता हूँ। जैसे मैं पर्सनल उसमें मेरे एक्चुअल में क्या होता है कि असाइनमेंट इतने ज़्यादा रहते हैं, मतलब वो करीब करीब जो IIT की प्रिपरेशन कर रहा है उतना ही स्ट्रेस लेवल उतना ही रहता है हमारा, और वो राउंड द ईयर रहता है कह लीजिए आप जो है। तो उसमें तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने ब्रेक जो है पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को आफ्टर वन मंथ, जैसे मेरे को अपना पर्सनल जैसे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं क्या करता हूँ कि आफ्टर वन मंथ मैं पहले 1 या 2-3 मंथ्स बाद जो है मैं पहले से टिकट वगैरह सब बुक कर लेता हूँ। तो अब वो 2-3 मंथ्स में क्या होता है कि मैं जो है वर्क कर लेता हूँ, मतलब स्ट्रेस फ्री होके, कि इसलिए चलो मैं 2-3 मंथ्स के बाद जो है 2-3 मंथ्स के बाद मेरे को यहाँ पे घूमने जाना है। और मैं कई बार शॉर्ट ब्रेक भी वो कर लेता हूँ, जैसे नॉर्मल में मैं क्या करता हूँ 10 डेज या 15 डेज के बाद मैं पहले से डिसाइड कर लेता हूँ कि इतनी तारीख को हम मूवी देखने जाएंगे, और मतलब पहले से डिसाइडेड होता है वो, टाइम टेबल में फिक्स होता है कि मूवी देखने जाना है। तो एक शॉर्ट ब्रेक कह लीजिए आप, और एक लॉन्ग ब्रेक कई बार 2-3 मंथ्स के बाद आप वो कर लेते हो जो है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मतलब मेरे को भी कम करता है, और मैं अपने बेटे भी, मेरा छोटा बेटा है वो अभी IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी मैं यही करता हूँ ग्रेट, आपसे। आपने छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ा है बहुत बढ़िया, फिर तो काफी क्वेश्चंस तो बिल्कुल रिलेवेंट ही होंगे, घर पे चल रहा होगा। नहीं बट काफी अच्छा लगा। तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे सर, ये जो आपने ब्रेक थ्योरी दी है, ये एस्पिरेंट्स कैसे अप्लाई करें अपने 2 साल के प्रिपरेशन में? मतलब वो जैसे उनको जो भी अच्छा लगता है, कई बच्चे होते हैं जैसे वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या मूवी देखना पसंद करते हैं, तो पहले से अपने पेरेंट्स को बोल दें कि आफ्टर 1 वीक मैं इतने टाइम पे जो है मूवी देखने जाऊंगा, और या 2-3 मंथ्स के बाद जब भी उसको हॉलीडे मिल रही है तो पहले से पेरेंट्स से कह दें कि वहाँ पर मैं 2-3 दिन का ब्रेक लूँगा और मैं घूमने जाऊँगा। तो वो 2-3 मंथ्स आप देखिएगा बहुत आराम से आप काम कर लेते हो जो है, क्योंकि आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपको कहीं पर रहता है कि मेरे को वहाँ पर ब्रेक मिलेगा, तो फिर आप कर ले जाते हो उसको जो है। आनंद, आई वुड लाइक टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, हाउ डू यू सजेस्ट दिस एस्पिरेंट्स मैनेज स्ट्रेस ऑफ दिस 2 ईयर प्रिपरेशन? So, I would quote with an example here. Again, a student, he was preparing for medical exam, and he was doing good for, almost 1.5 years. And suddenly, I saw that his marks started dipping when October came, when he was in 12th standard. And I tried to, find out the reason that why his marks are going down. But पूरे उसमें मुझे कुछ मिला ही नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके मार्क्स क्यों जा रहे हैं। उसका हार्डवर्क बढ़ गया था, सारे काम वो कंप्लीट कर रहा था, बट उसके मार्क्स नीचे जा रहे थे टेस्ट बाय टेस्ट। एंड एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट बैच ऑफ मेडिकल दैट आई वाज टीचिंग, एंड मैंने मजाक में ही वंशी को और मेरे एक अनदर को फाउंडर पुलकित, मैथ्स टीच करते हैं, उनको मैंने कहा था कि हमारे इस बैच में से 15 बच्चे थे, 2 बच्चे एम्स जाएंगे, और पुलकित ने कहा था छोटे से शहर पटियाला में 2 बच्चे एम्स चले जाएंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। एंड मेरा पहली बार मुझे एज अ टीचर मुझे डर लग गया था कि यार पहला बैच है, मैंने कुछ बोला है और मुझे तो लग रहा है अब तो नहीं होगा, बिकॉज एज अ पेरेंट वी स्टार्ट, यू नो, एज टीचर्स वी बिकम पेरेंट्स ऑफ द किड एंड वी फील स्ट्रेस्ड ऑल्सो। सो मैंने अपना स्ट्रेस भी पास करने की कोशिश करी उसको, तू मेहनत नहीं कर रहा होगा थोड़ी सी और मेहनत कर ले। तो सर ने एग्जैक्टली जो अभी पॉइंट बोला है वही हुआ कुछ, हम क्रिकेट खेल रहे थे जस्ट क्लास के बाद, एंड मैंने उसको बुलाया कि अमित जस्ट कम हियर एंड प्ले क्रिकेट विद अस, एंड ही सेड नहीं नहीं सर मैं तो अपना अभी खेल वेल ना बंद किया हुआ है एंड आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन स्टडीज, एंड दैट वाज द यूरेका मोमेंट। मुझे लगा कि ये खेल नहीं रहा है ना, इसलिए इसके मार्क्स नहीं आ रहे। एंड अगले दिन उसके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने बोला आपने इसकी खेल वेल बंद किया क्या? तो उन्होंने बोला हाँ अभी मैंने बिल्कुल सब बंद करा दिया इसके, इसको एम्स लेके जाना है। मैंने बोला सर अगर आप इसको क्रिकेट नहीं खेलने देंगे इसका एम्स नहीं हो रहा है, एंड पेरेंट्स वर कम्प्लीटली फ्यूरियस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक पेरेंट्स रिक्वायर काउंसलिंग। सो मैंने उनको बोला कि सर आप मुझ पे छोड़िए, अगर मैं बोल रहा हूँ इसका एम्स होगा तो होगा, आप बस मेरे पे जो मैं बोल रहा हूँ करने दीजिए। एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर एंड सडनली हिज मार्क्स इम्प्रूव, एंड
and finally he got all India rank 7 in it. So clearly I would resonate with what sir has said. Exactly. कि अगर उसने वो ब्रेक नहीं लिया होता, अगर उसने अपने रूटीन को चेंज नहीं किया होता, तो शायद उसका एम्स नहीं होता. And as teachers and many a times we don't find that reason, क्योंकि वो reason कहाँ से ढूँढने जाएँ, right? And I think that taught me as a teacher a lot. And from there, I think I have been following what sir just said. That I try to find out what are the hobbies of the kid, and try to ensure that they follow their hobbies in between sometime when they are stressed out. Very interesting. So you guys are saying that balance is critical. It's not that ki ye 2 saal ki preparation mein sab chhod do aur sirf padhai mein lago, so then you will lose your identity itself, yes. Right? It's imperative that you should find that balance, right? And that will make you successful and as well as enjoy the 2-year preparation, because enjoyment is also important. So as Vamsi, we always say that I think it's the journey which is more important, right, than destination. So I think the journey is more important than the destination. So, you know, so I think that's critical.